हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। मुगल शासक जहांगीर का नाम आपने इतिहास की किताबों में बहुत पढ़ा होगा। जहांगीर का जिक्र जब भी किया जाता है तो नूरजहां का नाम जरूर आता है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी भी अनोखी थी। नूरजहां किसी और की पत्नी थी और जहांगीर ने उसे पाने के लिए उसके पति का खून कर दिया था। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां और जहांगीर ने एक दूसरे को पहली बार एक बगीचे में देखा था। जहांगीर ने जैसे ही नूरजहां को देखा तो वो उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो गया। वो नूरजहां के पास गया और उसे दो कबूतर पकड़ने को कहा। नूरजहां ने कुछ देर तक उन दोनों कबूतर को पकड़ के रखा, लेकिन कुछ देर में एक कबूतर अपने आप उड़ गया। जहांगीर जब वापस आया तो देखा वहां पर एक ही कबूतर था। उसने मेहरुन्निसा से पूछा कि एक कबूतर कहाँ है, तो मेहरुन्निसा ने कहा उड़ गया। जहांगीर ने फिर पूछा कबूतर कैसे उड़ गया। मेहरुन्निसा समझ नहीं पा रही थी कि एक ही सवाल का बार बार क्या जवाब दिया जाए, तो उसने दूसरा कबूतर भी उड़ाते हुए कहा ऐसे उड़ गया। जहांगीर को मेहरुन्निसा की ये मासूमियत बहुत पसंद आई। उसने मन बना लिया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा। मेहरुन्निसा मिर्जा गियास बेग की बेटी थी। गियास बेग अकबर के दरबार में काम किया करते थे। उनके काम से खुश होकर अकबर ने उन्हें एतिमादुद्दौला की उपाधि दी थी। लेकिन एक मामूली दरबारी के बेटी से अकबर अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं थे। जहांगीर ने अकबर से कई बार कहा कि वो मेहरुन्निसा के बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन अकबर अपना मन बना चुके थे। अकबर के मना करने के कुछ ही दिनों बाद गियास बेग ने अपनी भतीजे अलीगुल से मेहरुन्निसा की शादी कर दी। जहांगीर को जब इस शादी के बारे में पता चला तो वो टूट गया। वो अब भी उसे भूल नहीं पा रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद अकबर का निधन हो गया। अब सल्तनत पर जहांगीर का शासन था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले मेहरुन्निसा से शादी करने की तैयारियां तेज कर दी। जहांगीर लगातार मेहरुन्निसा को उससे शादी करने के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन मेहरुन्निसा अपने पति से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो नहीं झुकी। जहांगीर एक के बाद एक लगातार मेहरुन्निसा को चिट्ठियां लिखा करता, लेकिन उसका कोई भी असर मेहरुन्निसा पर नहीं पड़ा। बल्कि मेहरुन्निसा ने उन चिट्ठियों का जवाब देते हुए जहांगीर से ये तक कह दिया कि उसके जैसे शासक को एक औरत से उसके पति को छोड़ने और जबरदस्ती शादी करने की बात शोभा नहीं देती। इन सब बातों के बाद भी जहांगीर नहीं माना। उसने अब मेहरुन्निसा के पति को जान से मार देने का मन बना लिया। मेहरुन्निसा और अलीगुल बंगाल में रहा करते थे। जहांगीर ने धोखे से अलीगुल को मरवा दिया। जहांगीर को लगा था कि अब आसानी से मेहरुन्निसा उससे शादी कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहरुन्निसा ने यह मान लिया था कि अलीगुल को मरवाने में जहांगीर का हाथ है, इसलिए वह किसी भी तरह से पिघलने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अब जहांगीर हार मानता हुआ दिख रहा था। उसने शासन को लेकर सभी जरूरी कामों से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आलम यह था कि राजा का दरबार भी लगना बंद हो गया था। प्रजा अपनी परेशानियां लेकर किसके पास जाए, यह सबसे बड़ा सवाल था। ताकतवरों का कमजोरों पर जुल्म बढ़ रहा था, लेकिन जहांगीर को फिलहाल इन बातों का मानो कोई ख्याल ही नहीं था। प्रजा से लेकर सभी दरबारी जहांगीर की हालत देखकर परेशान थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था। दरबार के बड़े लोग इकट्ठा होकर मेहरुन्निसा के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई। मेहरुन्निसा को पता नहीं था उसकी शादी को इनकार करने के बाद शासन ठप हो गया है। पहले तो वो सब कुछ सुनती रही, आखिर में वो बोली कि वो शादी करने के लिए तैयार है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद ही मेहरुन्निसा को नूरजहां का नाम दिया गया। नूरजहां ही सबके बाद जहांगीर के साथ ही पूरे शासन की व्यवस्था का भी ध्यान रखने लगी थी। जितनी देर तक दरबार लगता नूरजहां वहां बैठी रहती। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नूरजहां से शादी करने के बाद जहांगीर ने शासन के कामों में ध्यान देना बंद कर दिया था, इसलिए नूरजहां ने सभी कामों की कमान अपने हाथों में संभाल ली थी। बादशाह जहांगीर ने पंजाब के शहर जालंधर से 40 किलोमीटर की दूरी पर नूरजहां के जन्म स्थान पर नूर महल बनवाया था। कहते हैं कि इसी रास्ते से जब मेहरुन्निसा की माँ और पिता गुजर रहे थे तो रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई और मेहरुन्निसा का जन्म हुआ था, और इसी जगह पर जहांगीर और नूरजहां के प्यार की निशानी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।